श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन राजा रंतिदेव की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः। गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितथ अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आया उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था सब का सब उसे दे दिया।
और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बचा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से सिनि और सिनि से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के तीन पुत्र हुए, त्रैयारुणि, कवि और पुष्करारुणि। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के तीन पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिशु। बृहदिशु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के चार पुत्र हुए,
रुचिरास्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिरास्व का पुत्र पार्था और पार का पृथुसेन, पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। श्री सुखदेव जी असंग थे, पर वे वन जाते समय एक छाया सुक रचकर छोड़ गए थे। उस छाया सुक ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वकसेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वकसेन से जैगीसव्य उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वकसेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिश्व के वंशज हुए। द्विमीढ़ का पुत्र था यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमि और दृढ़नेमि का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की 6 संगीताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुबीर और सुबीर का पुत्र था रिपुंजय, रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पूर्वमीढ़ को कोई संतान नहीं हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरम्यास्व। भरम्यास्व के 5 पुत्र थे मुदगल, यवीनर, बृहदिशु, कांपिल्य और संजय। भरम्यास्व ने कहा हे मेरे पुत्र, भरम्यास्व ने कहा ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ 5 अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भरम्यास्व के पुत्र मुदगल से यमज, जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरदवान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। हरि शरणं श्री कृष्णार्पणमस्तु।